हेलो फ्रेंड्स, सिनेमा यारी में आपका स्वागत है। पठान के बाद इस साल की दूसरी बड़ी फिल्म शहजादा रिलीज हो चुकी है, जिसके लीड रोल में हमें कार्तिक आर्यन और कृति सैनन नजर आ रहे हैं, जो कि 2020 में आई तेलुगु फिल्म अला वैकुंठा पुरुमलु की ऑफिशियल हिंदी रिमेक है। 85 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। अगर बात करें इस फिल्म के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो इस फिल्म के पहले दिन की मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 9% की रही है, वही आफ्टरनून की 11% और इवनिंग की 14% और नाइट की 20% रही है, और ओवरऑल ऑक्यूपेंसी इस फिल्म की 13% की रही है। और इस फिल्म ने अपने पहले दिन हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 6 करोड़ की कमाई की है और इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 12 करोड़ से 13 करोड़ की ओपनिंग ली है। अगर देखा जाए तो फिल्म की ओपनिंग जितना सोचा गया था उससे कम है, और आपको बता दें इस फिल्म को हिट होने के लिए लगभग 100 करोड़ का ओवरऑल कलेक्शन करना होगा, और इस फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन इतना खास नहीं है। इस फिल्म के दूसरे दिन का एस्टीमेट 6 से 7 करोड़ के बीच बताया जा रहा है। अब देखना होगा कि यह फिल्म आगे क्या कमाल करती है। तो यह था पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन शहजादा फिल्म का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह की सिनेमा अपडेट्स बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लिए सब्सक्राइब करें सिनेमा यारी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।